बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 17 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 6.63 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी कितनी है, 6.634 किलो। किलो का मकसद होता है 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय हेवी न्यूक्लियस व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ इट। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक हेवी न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे कोलाइड करता है, ये रुक जाता है तो एक फोटॉन एमिट करता है जिसकी एनर्जी इतनी है। व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन एमिटेड आफ्टर कोलिजन। तो आपको बताना है कि इस फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होती है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या लेमडा हो जाएगा ए सी अपॉन ई। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपके पास हो जाएगी एच 6.634 10⁻³⁴ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन हो जाएगा आपके पास एनर्जी 6.634 इंटू 10⁻³ हो जाएगा आपके पास 3, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 10⁻¹⁹। अब ये 6.634 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा इस तरह से लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻²⁶ हो जाएगा, क्योंकि ये -34 है। तो ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻, ये चला जाएगा -16 होगा। तो लेमडा हो जाएगा, देखें अगर आप यहाँ से एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये -16 है, प्लस जाएगा, बाकी बचेगा -10। तो -10 वाला सिर्फ आंसर यही है, बाकी के अंदर पार वो नहीं है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शंस डिफरेंट हो तो आप कर सकते हैं 3 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻¹⁰। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इज इक्वल टू 30 अपॉन 16 इंटू 10⁻¹⁰। तो लेमडा आप यहाँ से कर सकते हैं इज इक्वल टू, ये होगा 1 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 टाइम 14 बचेगा, 400 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 10⁻¹⁰ मीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ये 4 सही है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक्सरे फोटॉन इज स्केटर्ड एट एन एंगल ऑफ 60° आफ्टर स्ट्राइकिंग अ टारगेट मटीरियल, कम्प्टन वेवलेंथ इन शिफ्ट विल बी इक्वल टू। इसमें कहा गया है कि एक फोटॉन है, कम्प्टन इफेक्ट का है, कि एक्सरे फोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये अगर हमारे पास एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है तो इसकी रिफ्लेक्शन एंगल जो होती है थीटा है हमारे पास 60°। आफ्टर स्ट्राइकिंग टारगेट, अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, मैक्सिमम शिफ्ट इन द वेवलेंथ। देखें मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो होती है 180 के ऊपर होती है, उसके ऊपर तो बराबर नहीं होगा। हाफ ऑफ द मैक्सिमम, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, या होगा 1/3 ऑफ द मैक्सिमम। देखिए आप इसके बारे में कर सकते हैं कि ये 60 है। देखें आप, पता है आपको लेमडा मैक्सिमम, लेमडा मैक्सिमम होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 - cos 180, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू, ये होगा माइनस इंटू -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन एम नॉट सी। अब ये आ गई मैक्सिमम, आप कर ले 60 की, 60 की कर ले, क्या होती है लेमडा शिफ्ट, डेल्टा लेमडा एट 60, शिफ्ट कितनी होती है, ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ होती है एच अपॉन एम नॉट सी 1 - cos 60°। तो डेल्टा लेमडा एट 60° इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - cos 60। 1 - cos 60 होता है 1/2, ठीक है, cos 60 होता है 1/2 के बराबर,
तो ये डेल्टा लेमडा एट 60 डिग्री इधी कल टू हो जाएगा एच अपान एम नॉट सी इन टू वन अपान टू हो जाएगा। तो डेल्टा लेमडा एट 60 इज इक्वल टू एच अपान टू एम नॉट सी। ठीक है, अब ये जो है वो मैक्सिमम है और ये कौन सी है, ये हमारे पास है जो है वो 60 डिग्री पे। अब इसकी जो है वो कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये हो जाएगा डेल्टा लेमडा एट 60 अपन डेल्टा लेमडा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपके पास एच अपन टू एम नॉट सी डिवाइडेड बाय हो जाएगा टू एच अपन एम नॉट सी। तो ये एम नॉट सी जाएगा एम नॉट सी में, एच जाएगा एच में, तो ये होगा 60 अपन होगा डेल्टा लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/4। तो डेल्टा लेमडा एट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से कितनी कम हो जाएगी, इसके अंदर चेंज होगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन आप कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है इसके बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज टू, ठीक है, स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, लोकेशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस, लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ ओनली, लोकेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़मीन के लिए 2 डायमेंशनल होता है और स्पेस के लिए 3 डायमेंशनल होता है। तो इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि 1 एंड 2 ओनली, ये ऑप्शन सही होगा। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है मीन्स जो रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके अंदर न्यूटन के सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड होती है। फर्स्ट लॉ भी वैलिड होता है, सेकंड लॉ भी वैलिड होता है, थर्ड लॉ भी वैलिड होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया द सरफेस ऑफ द मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, द कैनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वॉज फाउंड टू बी 1.68 eV, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसमें वर्क फंक्शन पूछा गया कि वर्क फंक्शन कौन सा है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया इस तरह से कि अगर आप करेंगे तो ये कहा गया एक मेटल सरफेस है उसके ऊपर इस तरह से रेडिएशन फॉल करती है और इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 400 नैनोमीटर, मींस ये वो लाइट है जो एक्सपोयर जिसका हो रहा है। अब इसमें से इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें पूछा गया है कि आपसे कि इसका वर्क फंक्शन क्या होगा। देखें बेटा आप इसके लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये है बुनियादी इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे तो इंसिडेंट जो फोटॉन होता है उसकी एनर्जी होती है AC अपॉन लेमडा, तो आप इंसिडेंट एनर्जी फाइंड करें इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10^-34 इंटू सी 3 × 10^8 अपान हो जाएगा लेमडा। जो है वो यहाँ पे आपसे कहा गया लेमडा है 400 नैनोमीटर, 10^-9 है, तो आप इसको कर सकते हैं इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 × 3 10^-26 अपान होगा 4 × 10^-7, क्योंकि 2 जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, क्योंकि ये आंसर जो दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको कन्वर्ट कर लें। ये मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए -19। अब मैं टाइम बचाने के लिए इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। आपने कैलकुलेशन बेटा कैलकुलेटर के ऊपर नहीं करनी क्योंकि आपको अलो नहीं है, मुझे अलो है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं के 6.634 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा आपके पास। ये वैल्यू याद कर ले,
19.90 to 10^-। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ एच सी की वैल्यू याद कर ले, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार टर्म एच सी बहुत सारी जगहों पे आ जाता है। ये हो जाएगा आपके पास 24, ये हो जाएगा 6.4, ठीक है। 6.4 × 10^ हो जाएगा -19। तो ये आपके पास जो एनर्जी हो जाएगी, ये आपके पास एनर्जी जो आएगी, ये आएगी 19.9 जो है वो 02 डिवाइडेड बाय 6.4, ठीक है। ये सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा -26। ये मैंने यहाँ पे ये जो है वो -7 इंक्लूड नहीं किया, ये भी -26 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा, इसकी इंसिडेंट एनर्जी है 3.10 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क फंक्शन होगा इंसिडेंट एनर्जी है 3.1 और ये कितनी है 1.68। तो आप इसको कर सकते हैं कि 3.1 माइनस आप करोगे 1.68 तो ये होगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को आप इस तरह से कर लोगे 1.42, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये जो होता है 1.42 जो होता है बेटा, ये बहुत क्लोज ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 0.9 c, इट्स रिलेटिविस्टिक मास मस्ट बी। अब इसके अंदर कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 0.99 ऑफ द सी। अब इसका मास आपको बताना है, ये मास जो होता है ये रिलेटिविस्टिक मास बताना है। देखिए आपको पता है रिलेटिविस्टिक मास होता है इज इक्वल टू एम नॉट अपन अंडर रेडिकल 1 - v² / c². पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें, इसको हम कहते हैं गामा फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 - v² / c², पहले इसकी वैल्यू निकाल लें। ये हो जाएगी आपके पास इस तरह से 1 - v² 0.99 c² इस तरह से अपन c², तो ये गामा फैक्टर हो जाएगा आपके पास 1 - अब इसको होल स्क्वायर कर ले, अब आपने ये स्क्वायर नहीं करना, मैं कर सकता हूँ 0.99 होल स्क्वायर करोगे इसका, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 0.9801। ये c² में कट जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो गामा की वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपके पास, गामा की वैल्यू होगी 1 - 0.9801, ये आ जाएगी आपके पास 0.0199 आ जाएगी। इसका आप निकाल लें, इसका आप अंडर रेडिकल निकाल लें, इसका अंडर रेडिकल होगा 0.141 हो जाएगा। अब आप वहाँ पे पुट कर लें, एम इज इक्वल टू एम नॉट, रेस्ट मास होता है 10^-27 अपान होगा 0.14, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.1 डिवाइडेड बाय 0.141, ये आ जाएगा आपके पास 64.5 × 10^-27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ये दो क्वेश्चन है, ये थ्योरी के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्टेड क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आपको पता है पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट क्यों किया था, इसलिए देर इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है कि क्वांटम थ्योरी कहती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, जबकि क्लासिकल कहती है नहीं होनी चाहिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, गलत बात है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी कौन कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी। पूछा क्या गया, कहा गया कि क्वांटम थ्योरी देर इज नो टाइम लेग, ये कौन कहते हैं,
कि देर इज़ नो टाइम लेग, ये टाइम लेग का भी न होने का बताती क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहती है टाइम लेग नहीं होना चाहिए, हमने क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। इसका मकसद है इसका ऑप्शन ए एंड सी जो है ये सही है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देखिए वर्क फंक्शन का मकसद होता है मिनिमम एनर्जी, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जाहिर है वर्क फंक्शन जो होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, नेचर ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे और दूसरा इम्प्योरिटीज ऑन द मेटल। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने, और आपको पता है हर मेटल का इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से बाउंडेड होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स कट ऑफ वेवलेंथ। देखिए अब इसके अंदर वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन है 4.2 ईवी, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो बतानी है। कट ऑफ वेवलेंथ का मकसद है वो वेवलेंथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट हो, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन की वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा कट ऑफ। तो लेमडा कट ऑफ क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन होगा वर्क फंक्शन। एच सी होगा 6.634 × 10⁻³⁴ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, मैंने आपको कहा है कि एच इंटू सी की वैल्यू याद कर ले, तो एच इंटू सी की वैल्यू आप याद कर ले, 6.634 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 19.902 × 10⁻²⁶ अपान होगा, ये हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये हो जाएगा 6.72, तो ये हो जाएगा आपके पास 19.902 डिवाइडेड बाय 6.72, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ये हो जाएगा, आपको पता है कि वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻¹⁹, तो ये 10⁻¹⁹ मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2.96 × 10⁻⁷ हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा आपके पास जो है वो आगे भी है, इसके अंदर 1.6 लिख दें, क्योंकि ये जवाब थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, इसलिए आगे भी इसके कुछ टर्म लिख ले, 9.160, ठीक है, इंटू 10⁻¹⁷ होगा। अब ये लेमडा हो जाएगा 2.96160 × 10⁻¹⁷, इसको एंगस्ट्रम के अंदर जवाब है, तो ये आप करोगे 2961, ठीक है, 2961.6 × 10⁻¹⁰ मीटर, तो ये अब आ जाएगी एंगस्ट्रम के अंदर 2961.6 जो होगी, ये एंगस्ट्रम के अंदर ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये किसके क्लोज है, ये हमारे पास क्लोज है इसके, ठीक है। तो ये आंसर जो है, ये आपका आंसर जो है ये सही। अब ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक का एग्जांपल है, अब इसके अंदर ये आप कहेंगे कि ये एग्जांपल है, आपके बुक का एग्जांपल है। अब देखें इसके अंदर कहा गया कि एक जो है वो मास है, उसके अंदर जो है वो उसका मास है 10 किलोग्राम, और ये मूव कर रहा है, और ये मूव किस वेलोसिटी से कर रहा है, 100 मीटर/सेकंड से कर रहा है। तो जाहिर है कि जब ये मूव कर रहा है तो इससे एसोसिएटेड मास क्या होता है, इसका मकसद है कि इसकी एनर्जी की वजह से जो मास होता है वो इससे पूछा गया है। तो आपको पता है कि इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी,
और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये मास एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी है और ये मास मूव कर रहा है, तो पहले आप फाइंड कर ले एनर्जी कितनी है। तो ये हो जाएगी हाफ एम, ये होगा 10 और वी स्क्वायर हो जाएगा 10^4 क्योंकि 100 है। तो इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू 5 × 10^4 जूल होगी। अब ये इसके पास है काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द मास, तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा मास इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी है, 5 × 10^4 अपान हो जाएगा सी स्क्वायर 9 × 10^16, तो ये हो जाएगा 5 × 9 × 10^ हो जाएगा -12। तो आप करेंगे इसको इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.5 होगा, 5 × 9 होगा 5.5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 0.55 होगा × 10^-12 होगा, तो ये होगा 5.5 × 10^-13। तो ये सॉरी ये मास है, मैंने इसको एनर्जी लिख दिया, ये आप इसको कर लें कि ये जो होगा ये मास हो जाएगा, इसके पास ये मास है बेटा, तो ये मास हो जाएगा इसके पास 5.5 × 10^-13 किलोग्राम, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आपने ये निकालना है कि इसके पास एनर्जी कितनी है और एनर्जी से फिर आपने मास निकालना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, केस में कौन सा इनकरेक्ट है, पहले इसको मार्क कर दें, आपसे पूछा क्या गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द इंसीडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये जाहिर सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना उसके बारे में हमने पढ़ा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है जब इंसीडेंट लाइट, जितनी इंसीडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। जाहिर सी बात है जितनी ऊपर से ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इंसीडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी, सही है। फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंसीडेंट लाइट इंटेंसिटी, फोटो करंट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, सही है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, ये गलत होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है, ये नंबर करता है बेटा, ये भी सही है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, सही है, क्योंकि ये बी और सी पॉइंट सेम है, फोटो करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही। तो इसका मकसद है इसमें जो ऑप्शन गलत है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इंसीडेंट फ्रीक्वेंसी पे, सही है। फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, सही है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, ये सब सही है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू फोटॉन आर सच दैट दे ऑल आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की तो बात ही नहीं होगी। दे ऑल हैव द सेम वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ सेम होती है। दे ऑल हैव द सेम डी ब्रोगले वेवलेंथ, डी ब्रोगले की वेवलेंथ ये फार्मूला होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना उनकी स्पीड सेम नहीं होती, ये एनटीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना सब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए आप कहोगे कि दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, ये जो है वो सही है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ऑप्शन जो होगा दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, डी ब्रोगले वेवलेंथ सेम नहीं होगी क्योंकि सबकी वेलोसिटीज डिफरेंट होगी। डिफरेंट वेलोसिटी होने की वजह से मास है, इलेक्ट्रॉन सब है, मास में एच कांस्टेंट है, तो स्पीड सबकी डिफरेंट होने की वजह से डी ब्रो वेवलेंथ सबकी सेम नहीं होगी। डी ब्रो वेवलेंथ जब सेम नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, मींस ये तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, जो आप कह सकते हैं कि इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ 3 kg मास
मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकंड। तो ये देख लें इसके अंदर कहा गया वेवलेंथ, तो जाहिर सी बात है मास है उसकी वेवलेंथ कौन सी होगी, डी ब्रोगले वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगले वेवलेंथ होती है एच अपान एम वी। तो आप कर सकते हैं जी इक्वल टू 6.634 इंटू 10^-34 और ये हमारे पास है 3 किलोग्राम है, 3 है इंटू स्पीड है, स्पीड 100 है। तो आप करोगे 6.634 10^-34 अपन हो जाएगा 3 इंटू 10^2, तो ये हो जाएगा 2.21 इंटू 10^-36 हो जाएगा मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, ये इसका सही लग रहा है मुझे 2.2 और इंटू 10^-36, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखें वर्क फंक्शन जो होता है वो बराबर होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू, तो आप करोगे वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन का मकसद है मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी किसके पास होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन के पास होती है। तो आप इसके अंदर कहोगे कि वर्क फंक्शन होगा 6.634 10^-34 और फ्रीक्वेंसी कौन सी है 43.9 इंटू 10^13 हर्ट्ज है। तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, आप इसके अंदर करोगे, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आंसर चाहिए तो आप इसको फर्दर जो है वो इसको डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6.634 मल्टीप्लाइड बाय 43.9 इज इक्वल टू होगा 291 इंटू 10^ अगर हम करेंगे तो ये होगा -21 या होगा 2.91 10^-19 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा वर्क फंक्शन जूल के अंदर। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे 2.91 10^-19 अपन 1.6 10^-19 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.91 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.818 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास वर्क फंक्शन 1.818 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा, इसका मकसद है ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके अंदर कहा गया फोटो सेल इम्प्लाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट चेंज इन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो सेल इम्प्लाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, ठीक है, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक करंट टू कन्वर्ट, ठीक है, ये जो है ये इजाफी आ गया, इसको ख़त्म कर दें। ये किसको कन्वर्ट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी इनटू चेंज इन द करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। देखें फोटो सेल क्या करता है, ठीक है, फोटो सेल जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी को इस्तेमाल करके करंट बनाता है, मीन्स ये कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो बेसिकली फोटो सेल जो होता है ये क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स करंट, और करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को करंट में नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी इन द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। फोटो कंडक्टिव सेल्स आर यूज्ड, जो फोटो कंडक्टर्स कंडक्टिव सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इनके अंदर इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये इंसुलेटर होते हैं, जब लाइट फॉल करती है कंडक्टर हो जाते हैं, तो ये जो होता है कि इसके अंदर ये जो होते हैं ये सब के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके यूजेस आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये जो फोटो कंडक्टर होते हैं ये इस्तेमाल होते मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के अंदर, ये ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके अंदर है द स्टॉपिंग पोटेंशियल
इन अ फोटो इलेक्ट्रिक चेंबर इज 3 वोल्ट, द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वॉट इज द इंसिडेंट फोटॉन्स एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर है 3 वोल्ट, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होगी 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 3, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4.8 × 10⁻¹⁹ जूल, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है ई इंटू वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा है जो है वो इसके अंदर जब हमने टॉपिक ये पढ़ा था। तो आप करोगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई के 4.4 × 10⁻¹⁹ जूल। द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल इज 2.2, व्हाट इज द इंसिडेंट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब इंसिडेंट एनर्जी देखें, देखिए आपको पता है इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखें आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये होगा 4.8 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹ कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप करोगे कि ये होगी 4.8 / 1.6, ये हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी 4.8 और 16 होगा, 3 के बराबर होगा। तो अब आप करोगे इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 2.2 ev, ठीक है, और प्लस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 3 ev, तो ये हो जाएगी इंसिडेंट एनर्जी 5.2 ev। तो ये हो जाएगी आपके पास जो इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे जूल के अंदर दी गई है, 5.2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कर लें इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये हो जाएगी आपके पास 5.2 × 1.6, तो ये हो जाएगी आपके पास इंसिडेंट एनर्जी 8.32 × 10⁻¹⁹ जूल। या तो आप ये करें कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट ना करें, इसको आप जूल के अंदर 2.2 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दें, फिर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.3, और 8.3 दूसरा भी आंसर है, इसका मकसद है फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी आ गई एनर्जी। अब आपको पता है कि ई हो जाता है एच न्यू, तो न्यू हो जाएगा ई अपन एच, तो ये हो जाएगा 8.32 × 10⁻¹⁹ अपन होगा 6.63 × 10⁻¹⁹, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8.32 / 6.634, तो ये हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 1.25 × 10⁻¹⁹, ऊपर जाएगा प्लस होगा, तो ये होगा 15 हर्ट्स। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा आता है कि ये आ जाता है 1.25 × 15, तो ये आंसर आपका सही है, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ मैच करती है, जबकि इसके अंदर ये वैल्यू तो मैच करती है लेकिन ये वैल्यू मैच नहीं करती, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इन कॉपर इज 1.1 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज़, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज़ इज डायरेक्टेड ऑन कॉपर सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻¹⁹ हर्ट्ज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वर्क फंक्शन निकाल लें, क्योंकि आपको क्या बताना है
जो फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, में काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइंड करोगे ना तो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन ये आ जाएगी। मीन्स इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों चाहिए। वर्क फंक्शन होगा एच न्यू नॉट 6.634 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 10 पावर 15। आप इसको 10 पावर 15 कर सकते, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.634 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.29 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इसको आप कर लें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड कर लें 1.6 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये जूल के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। अब आप इंसिडेंट एनर्जी देखें, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, यहाँ से आएगी क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट है, फ्रीक्वेंसी है, तो इंसिडेंट एनर्जी होगी एच न्यू 6.634 10 पावर माइनस 34 इंटू 1.5 10 पावर 15, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी 6.634, ये हो जाएगी आपके पास 6.634 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 9.951 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इसको भी आपने करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 1.6 कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप यहां से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी 6.21 और वर्क फंक्शन कितना होता है 4.5 होता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 4.5, ये आ जाएगा 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.7, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी इसके आंसर, आंसर जो होगा ये सही है ए आंसर। अब इसके अंदर है चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू, कि जब ये कम्प्टन इफेक्ट का है, कि जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, तो चेंज इन वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सरेज, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि ये प्रोपोर्शनल किसके, ये बेसिकली ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा एंगल होगी तो चेंज ज़्यादा आएगी, अगर कम एंगल होगी तो कम चेंज आएगी, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इन पेयर प्रोडक्शन मास इज कन्वर्टेड इन एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इन मास बोथ एंड बी। देखिए पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गामा रे फोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर होता है, तो ये एनर्जी कन्वर्ट होती है मास के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए, बाकी कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।